राज्यसभा चुनाव में राज्य के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की शानदार जीत के बाद कल हुए विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा ने महाअघाड़ी सरकार को धूल चटा दी। इस जीत का जल्लोष भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा भाजपा मुंबई अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में विजय जल्लोष बाइक रैली निकाल कर मनाया। इस बाइक रैली की शुरुआत भाजपा मुंबई प्रदेश कार्यालय वसंत स्मृति से शुरू हुई और भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय नरीमन पॉइंट पर जल्लोष के साथ समाप्त हुई। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह था और उन्होंने जीत का गुलाल उड़ाकर ढोल नगाड़े के धुन पर नाचते हुए इस जीत को मनाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा देखिए। देखिए महाराष्ट्र के चाणक्य हम सबकी के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अकेला देवेंद्र क्या करेगा और कर दिखाया, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो विधान परिषद चुनाव के मामले में हो। तो कहीं ना कहीं शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जल्लोष ये उत्साह पूरे मुंबई में आज खास करके मुंबई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मना रहे हैं। हमारे मुंबई प्रदेश कार्यालय से लेके महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय नरीमन पॉइंट तक एक जल्लोष यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। जीत की खुशी किस प्रकार है आप युवा मोर्चा में? देखिए जीत की खुशी इस प्रकार है कि राज्यसभा और विधान परिषद तो सिर्फ झांकी है, अंधेरी पूर्व और महानगर पालिका अभी बाकी है। तो ये जुलूस निकाल कर मुंबईकरों को क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए मेरा मानना है कि जनता, आम जनता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के साथ है, इसलिए जो जनप्रतिनिधि जो जनता का समर्थन करते हैं जनता का भला चाहते हैं, आज आपको देखने मिल रहा है कि वो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं देवेंद्र जी को समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि जनता की खुशी हम लोग, हम कार्यकर्ताओं की खुशी हम लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। आज यहाँ से बाइक रैली की शुरुआत की जा रही, कहाँ तक जाएगी और क्या कुछ आज आपके खुशी का किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता आदरणीय देवेंद्र जी को अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी मुंबई के दादर ईस्ट के कार्यालय से लेकर हम ये बाइक रैली नरीमन पॉइंट के महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक लेके जाके वहाँ पे एक भव्य जल्लोष ऐसे हम युवा मिलके मनाने वाले हैं। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे 12-11 एमएलए को लेकर गुजरात गए, किस तरह आप देख रहे हैं और राजनीति में एक हलचल मची हुई है? देखिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी को चाहती है, वो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि महाराष्ट्र की जनता का भला चाहते हैं वो जनप्रतिनिधि देवेंद्र जी का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। यही विषय बोलकर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सरकार गिरेगी आपको क्या लगता है? देखिए सरकार गिरे ना गिरे वो दूसरा सवाल होता है, लेकिन देवेंद्र जी जैसा मुख्यमंत्री आए ये हम सब युवा चाहते हैं। महाराष्ट्र नेता कैसा हो?